वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं मोहम्मद नसीर यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज नाज़रीन मैं जा रहा था रतवाल गाँव में, तो मेरे साथ हैं अली भाई, तो मैंने कहा ज़रा जाते हैं व्लॉग बना के जाते हैं, तो जाना वैसे भी है तो व्लॉग ही बना के चलते हैं। तो चलें नाज़रीन, चलते हैं फिर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। तो आज हमारे साथ अली भाई हैं। तो नाज़रीन आपने भी कुछ सुना होगा कि जो कि पायलट ने एक खौफनाक हादसा हुआ है, जो कि जान का नजराना पेश किया है नुमान अकरम पायलट ने, जो कि हमारे बयानाज पायलट थे। तो उन्होंने इंसानियत की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। तो इसी के बारे में आज अली भाई से भी पूछेंगे। तो हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं। तो जी अली भाई, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, ये जो पायलट 11 मार्च को जो है ना, इन्होंने अभी जो है ना 11 मार्च को वो तैयारा गिर कर तबाह हुआ है। अच्छा, उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनका नाम था नुमान अकरम। अच्छा, नुमान अकरम एक बहुत ही जानबाज जो है ना पायलट थे। तो उन्होंने अपनी जान पे खेल कर लोगों की हिफाजत की, लोगों को बचाया, कि लोगों को कुछ ना से बचाया, लोगों को कुछ ना हो कि मैं अपनी जान दे सकूँ। और आखिरी मिनट तक उन्होंने अपनी जद्दोजहद करते रहे कि प्यारा जो घेरा कहाँ पे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जो ये थी ना शक्करपड़ियाँ के करीब एक साइडों पे पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल देखिए वो पहाड़ियों पे उन्होंने जा गिराया। अच्छा, इसलिए कि लोगों को नुकसान ना हो, इसलिए कि लोगों को कुछ ना हो, यार मैं अपनी जान दे दूँ। उन्होंने तो ये एक जज्बा होता है इंसान का, उनका जज्बा था, उनके जज्बे को उन्होंने लोगों के माल जान की हिफाजत करते करते अपनी जान कुर्बान कर दी। तो उन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी ज़मीन पे वतन की खातिर उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। पाकिस्तान की जो इंसानियत के खातिर उन्होंने जान कुर्बान कर दी। तो ये थे हमारे पास, इससे हमें सबक क्या हासिल होता है? तो ये इससे हमें सबक हासिल होता है कि हमारे जितने भी भाई हैं, जो हमारे जो अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी जिनका जहन है कि हमने जाना है, तो वो ये जहन में रख ले, अपनी जान पे खेल कर ये हमारे मुहब्बे वतन जो पाकिस्तान है हमारा, जो इसको हमें अपनी जान निसार करनी चाहिए, हमने बचाना है इसको। हमारे जो अभी जो हमारे पीछे आपको पता है कि कितनी दुनिया दुश्मन है हमारे बारे में, गिरने वाला था नाजरी। तो अच्छा, तो वो आपको बता रहे थे अली भाई के नुमान अकरम साहब, जो के बहुत मायानाज पायलट थे, उन्होंने बहुत जद्दोजहद की कि मैं त्यारा किसी तरीके से काबू कर लूँ, उन आखिरी सेकंड तक काबू करने में नाकाम रहे। तो वो कुछ कर सकते थे, लेकिन वो अपनी जान बचा सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि जहाज़ में एक फंक्शन होता है कि बंदा अपनी जान बचा सकता है, तो सीट उतर जाती है तो उड़ के पायलट निकल जाता है। तो उन्होंने ये नहीं किया, इंसानों की जान बचाई, तो पाकिस्तान की इंसानियत की खातिर, क्योंकि कहीं जानो माल का नुकसान ना हो, इस वजह से उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो ये है हमारी आर्मी, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो पाकिस्तान पे हमारे ऐसी मायनाज, पाकिस्तान के हिफाजत करने वाले पायलट, एयरफोर्स, नेवी, इस वजह से हमारा मुल्क बचा हुआ है माशाल्लाह। बहुत अच्छी हमारी नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, तो अपनी जान पे खेल जाते हैं लेकिन मुल्क का नुकसान नहीं करते। तो देखें अल्लाह पाक इनको जजाय खैर दे। और ये देखें हम गांव पहुंचने वाले हैं, वो पहला घर आ चुके हैं। तो ऐसा है नाज़रीन, आज हम आपको लेके आए और अली भाई से मिलवाया, जिन्होंने आपको बताया नुमान अकरम साहब के बारे में। तो ये आज हमारे साथ हैं अली भाई। तो आज का यही था। तो मैं अली भाई से पूछता हूँ कि मौसम कैसा है, बारिश हो रही थी, आपने एंजॉय किया नहीं किया? अच्छा अली भाई, जो बारिश हो रही थी आपने एंजॉय किया, आज भी बारिश रुकी है, तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? बारिश माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हुई है, और इतनी ज़्यादा भी हुई है कि यहाँ जो तो आप देख रहे हैं गंदम कितना पानी खड़ा है, ये आप देख सकते हैं। बाकी ये देख सकते हैं कि गंदम का नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ये पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है, और जो गंदम है उसका कलर चेंज हो चुका है, ये आपने देखा होगा। तो
आज इसका नाज़रीन आप मौसम भी चेक कर लें, कितना प्यारा मौसम है, कितने थोड़े थोड़े बादल हैं लेकिन बहुत अच्छी हवा चल रही है। आवाज़ भी आ रहे थे तो ये मेरे बाल भी कुछ ऐसे हो गए हवा की वजह से। तो ये अली भाई थे आज हमारे साथ। तो अली भाई आपने इंजॉय किया मेरे साथ? बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया जी। मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त हवा है। अच्छा अच्छा, इस वजह से। तो नाज़रीन मुझे अपने और इनका जो है नसीर भाई का जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। जी बिल्कुल, कोशिश यही होती है कि अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। और ये असल में इनका तो ये जहन है कि ये फ़नी वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन आज का टॉपिक ऐसा था कि इस पर फनी वीडियो बन नहीं सकते थे। तो ये मौजू ऐसा था कि हम इस पर अगर फनी वीडियो बनाते तो फिर आम पाकिस्तानी तो ना हुई ना। अच्छा ठीक है, जो ठीक है नाज़रीन, मुझे इजाज़त दी अपने मेज़बान मोहम्मद नसीर को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। तो अपने मेज़बान मोहम्मद नसीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।